नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे नेपाल से बहुत ही खुशी की खबर निकल कर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ये खुशी की खबर चिंता की खबर भी है। जी हाँ दोस्तों, SBI और ट्विटर थ्रेड ने नेपाल को यहाँ पे 37 साल पुरानी मूर्ति जो कि चोरी हो गई थी वो बरामद करके दी है, यानी कि वो मिल गई है और अभी नेपाल में भी पहुंच गई है। लेकिन ये चिंता की खबर इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मूर्तियाँ प्रत्येक साल बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे चोरी होती हैं। तो इसका क्या है रीज़न और ये मूर्ति कैसे चोरी हुई और ये मूर्ति कैसे मिली, इसकी पूरी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेपाल में मूर्तियां चोरी क्यों हो जाती हैं। इसका बड़ा रीजन ये है कि यहां पे जो पर्यटन है, पर्यटन की सबसे ज्यादा मात्रा है और यहां पे मंदिरों से मूर्तियां हैं वो प्रत्येक साल काफी संख्या में चोरी होती हैं। इसका रीजन यही है कि विदेशों से आने वाले जो लोग होते हैं, जो पर्यटन के लिए आते हैं, जो यहां पे नेपाल को देखने के लिए आते हैं या फिर नेपाल के मंदिरों में जाते हैं, उनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चोरी करने के मकसद से आते हैं। क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे सही लोग भी होते हैं और गलत लोग भी होते हैं, और वो गलत लोग इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से चोरी कर ले जाते हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल के मंदिरों से प्रत्येक साल काफ़ी ज़्यादा संख्या में मूर्तियाँ चोरी होती है। अगर उसका रीज़न जाना जाए दोस्तों तो ये पर्यटन है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती नेपाल की भी है। क्योंकि चोर का मकसद ही चोरी करना होता है तो वहाँ पर प्रोटेक्शन बढ़िया होनी चाहिए या फिर बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि चोरी को रोका जा सके। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि ये जो मूर्ति है जो ट्विटर थ्रेड और SBI ने यहाँ पे 37 साल बाद दोबारा से नेपाल में ला दी है तो वो किसकी मूर्ति थी और कैसे चोरी हो गई थी। बात है 11 मार्च 32 साल बाद यह चोरी की गई मूर्ति यहाँ पे अमेरिका में बरामद हुई है। जो मूर्ति बरामद हुई है वो लक्ष्मी नारायण का एक पत्थर है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है क्योंकि हिंदुओं का देवता माना जाता है लक्ष्मी नारायण को। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की हिंदू देवताओं का चित्रण करता है और आखिरकार पाटन एक शहर में स्थित मूल घर में इसे लौटा दिया गया है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के पार ये स्थित है जहां पे ये मूर्ति चोरी हो गई थी। बता दूं दोस्तों कि 1984 में नेपाल के जो ललितपुरा जिले के पाटन में नारायण मंदिर में से ये मूर्ति चोरी हुई थी और सूचना मिली थी कि 80 के दशक के अंत तक अवैध रूप से अमेरिका के एक संग्रहालय में इस मूर्ति को रखा गया था। अमेरिका के सबसे बड़े कला संग्रहालय में इस मूर्ति को रखा गया और उसके बाद टेक्सास के डकाल संग्रहालय में कला जब हुई तो 1990 के बाद ऐतिहासिक कलाकृति प्रदर्शित की गई। इस ऐतिहासिक कलाकृति प्रदर्शन में इस मूर्ति को दिखाया गया और बताया गया कि ये एक पौराणिक मूर्ति है जिसको देखते हुए इसको फिर न्यूयॉर्क भेज दिया गया। इसकी नीलामी में ये न्यूयॉर्क पहुंची और उसके बाद पता चला कि ये जो मूर्ति है वो चोरी की मूर्ति है। और चोरी की मूर्ति है तो ये कहाँ की है, इस पर यहाँ पे नेपाल ने बताया कि ये हमारी मूर्ति है और जो कि 37 साल पहले चोरी हो गई थी पाटन से। अब पाटन से चोरी हुई मूर्ति के तथ्य जब सामने आए तो पता चला कि जो मूर्ति चोरी हुई थी लक्ष्मी नारायण की वो वास्तव में यहाँ पे नेपाल की थी और न्यूयॉर्क से ये मूर्ति दोबारा से यहाँ पे नेपाल की राजधानी काठमांडू के जो बागमती नदी के पार पाटन है वहाँ पर पहुँचा दी गई। कहीं ना कहीं खुशी की खबर है कि ये मूर्ति दोबारा मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख की बात भी है कि प्रत्येक साल इतनी मूर्तियां जो कि पवित्र चीज़ें होती हैं उन्हें भी लोग चोरी कर लेते हैं। तो दोस्तों, चोरी करने वालों को हम रोक सकते हैं अगर हमारी प्रोटेक्शन बढ़िया हो। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिका के सबसे बड़े कला संग्रहालय के अध्यक्ष थॉमस ने यहाँ पे टेक्सस में एक कार्यक्रम में कहा कि जब हम अमेरिका के इस संग्रहालय में मूर्तियों को संग्रहण करते हैं तो हम इसे पुरातात्विक मूर्ति को दर्जा देकर संग्रहित कर लेते हैं, जबकि हमारी ये कमी है कि हमें इसका पीछे के परिणामों को जानना चाहिए कि ये मूर्ति कहाँ से आई, कहाँ से मिली, कहीं ना कहीं ये चोरी की तो नहीं है। जैसा कि पवित्र मूर्तियों को हम संग्रहालय में बिना किसी वजह से यहाँ पे संग्रहित कर देते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, जबकि हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये मूर्ति वास्तव में कहीं मिली है या फिर कहीं से चोरी की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले में, जो नेपाल में प्रत्येक साल कई यहाँ पे मूर्तियाँ चोरी हो जाती हैं उसके लिए प्रोटेक्शन बढ़ानी चाहिए या नहीं चाहिए, इस बारे में आप अपने राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।